हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। बीबीएल का ये मैच ब्रिस्बेन हीट बनाम होबार्ट हरिकेन्स। इस फैंटेसी रिव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेन्यू रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड सेफ कैप्टेंसी चॉइसेस। बात करते हैं इस गेम की तो मैच नंबर 49 है। दोनों टीम्स हैं फिलहाल फिफ्थ और सेवेंथ पोजीशन पर, अंतर है केवल एक पॉइंट का। आज की जीत इन दोनों टीम्स के लिए काफ़ी अहमियत रख सकती है बिकॉज टॉप फोर में अपनी पोजीशन थोड़ी सी कंसोलिडेट करने में हेल्प कर सकती है। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड का, तो 20 बार ये खेली हैं आपस में अब तक, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट 8 बार जीती हैं और होबार्ट हरिकेन जीती हैं 12 बार। ये गेम होने वाला है द गैबा ब्रिस्बेन पे। और वेन्यू की बात करें तो पिछले 10 बीबीएल मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 6 बार जीती है और टीम बैटिंग सेकेंड 4 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 174 का, रन्स बनते हैं और इसीलिए आप बैटर्स को भी बैक करने में जरा भी नहीं झिझकना। बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो राइली मेरेडिथ 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट 13.8 का। कैलब जुएल की बात करें तो 4 इनिंग्स में 102 रन हैं जिसमें 150 भी शामिल हैं। उस्मान खवाजा का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, 8 इनिंग्स में 247 रन हैं। जेवियर बार्टलेट की बात करें तो 3 इनिंग में 6 विकेट चटका चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 10 का एंड वी बिलीव इस गेम में ये फिर से क्रूशियल साबित हो सकते हैं। प्लेयर्स के अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो जॉर्ज ब्राउन ने यहाँ पर 2 इनिंग्स में 80 रन स्कोर करे हैं जिसमें एक 50 प्लस स्कोर भी शामिल है। बेन मैकडॉर्मेट की बात करें तो 6 इनिंग्स में 136 रन यहाँ पर स्कोर कर चुके हैं, एवरेज 27.2 का। टिम डेविड है स्कोर 130 रन यहाँ पर 5 इनिंग्स में, 32.5 की एवरेज है। राइली मेरेडिथ की बात करें तो 3 इनिंग्स में 6 विकेट हैं इनकी, स्ट्राइक रेट है 12 का। चलते हैं दोस्तों बात करते हैं टॉप पिक्स की फ्रॉम होबार्ट हरिकेन्स। नंबर 1 पर ऑफ कोर्स आते हैं नेथन एलिस, 14 विकेट्स हैं 11 इनिंग्स में, काफी क्रिटिकल हैं अलॉन्ग विथ हिज बोलिंग पार्टनर राइली मेरेडिथ जिन्होंने 17 विकेट्स लिए हैं 11 इनिंग्स में। एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन जैसे हमने पहले भी कहा था नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर होबार्ट बट आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। थर्ड टॉपिक इज टिम डेविड जो कि अब तक 282 रन स्कोर कर चुके हैं 11 इनिंग्स में और ये बोलिंग भी कर रहे हैं आजकल, तो क्या विकेट के थ्रू भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? थंडर्स के सामने 76 वाली जो पारी खेली थी उससे इन्होंने फिर से सबको आश्वासन दिया है कि बड़ी लंबी और क्विक पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। बात करते हैं दोस्तों कैलब जुवेल हुज द फोर्थ टॉपिक, 247 रन स्कोर कर चुके हैं 8 इनिंग्स में। स्टार्स के सामने 70 स्कोर करा था, स्ट्राइकर्स के सामने अपने दोनों एनकाउंटर्स में 54 स्कोर करा था। कैपेबिलिटी पूरी है पर क्या ये इस मैच में खड़े उतरेंगे? हमें लगता है उतर सकते हैं बिकॉज इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, पर देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं मैच में। चलते हैं दोस्तों बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट की। नंबर 1 टॉपिक यहाँ से हैं जेम्स बैजली, 7 इनिंग में 12 विकेट हैं और बैटिंग करते हुए 8 इनिंग्स में 90 रन कंट्रीब्यूट दोनों साइड ऑफ द इनिंग्स में कर सकते हैं एंड हेंस एक टॉप पिक हमारी तरफ से नॉमिनेट हो जाते हैं। माइकल नेसर इज द सेकेंड टॉप पिक, 15 विकेट्स हैं इनके 9 इनिंग्स में। पिछले गेम में स्टार्स के सामने 4 लिया था, रेंशॉ मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी 90 के लिए बट नेसर का 4 भी काफ़ी क्रिटिकल था। जॉर्ज ब्राउन की बात करें तो 158 रन है इनके 7 इनिंग्स में इंक्लूडिंग अ 62 वर्सेज एडिलेड स्ट्राइकर्स। उस धमाकेदार इनिंग के बाद थोड़ा सा ये हल्लू हो चुके हैं, तो क्या ये इसी ग्राउंड पर फिर से वही धमाकेदार पाली खेल सकते हैं क्या? शायद पॉसिबिलिटी है एंड हेंस वी आर बैकिंग हिम एज अ टॉप पिक फ्रॉम आर साइड। उस्मान खवाजा इज द फाइनल टॉप पिक, 44 रन है इनके 3 इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी बढ़िया फॉर्म में थे और हमें लग रहा है ये सेम फॉर्म यहाँ पर कैरी ऑन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों बात करते हैं डिफरेंशियल पिक्स की। मिचेल जॉनसन खेल रहे हैं क्या? नहीं, बट उनसे कंपेयर करने वाले बॉलर हैं स्पेंसर जॉनसन, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। पिछले दोनों गेम्स में एक एक विकेट पिक करी है इन्होंने और काफ़ी उम्मीदें जताई हैं काफ़ी लोगों ने इनसे। पेस अल्ट्रा है और ये सामने वाले बैटर को जरूर परेशान कर सकते हैं। वी आर बैकिंग हिम टू कम गुड इन दिस गेम एंड हेंस एक डिफरेंशियल पिक है फ्रॉम आर साइड। बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनशिप पिक की अभी, और हम रेकमेंड करेंगे 3 प्लेयर्स, राइली मेरेडिथ, उस्मान खवाजा एंड नेथन एलिस। नेथन एलिस तभी बैक करेंगे जब वो बोलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। बाकी तीनों प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेन्यू के नंबर्स भी डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विथ हेड टू हेड नंबर्स। मिस करा होगा आपने तो थोड़ा सा वीडियो में पहले चले जाना एंड यू विल नो एग्जैक्टली व्हाई वी आर गोइंग टू बैक दीज 3 प्लेयर्स एज अ सेफ कैप्टनशिप पिक्स। चलते हैं दोस्तों बात करते हैं डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक्स की, और यहाँ पर हम नॉमिनेट करेंगे पैट्रिक डूली को। 16 विकेट्स हैं इनके 9 इनिंग्स में, पूरे टूर्नामेंट में केवल एक बार ये विकेटलेस रहे हैं एंड वंस अगेन ही कैन बी अमंगस्ट विकेट्स। चलते हैं दोस्तों एक नए सेक्शन की तरफ, थोड़ा सा हटके है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से प्लेयर को अवॉइड करना है एज योर कैप्टन? मार्नुस लाबुशाने बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं, शायद बोलिंग भी करेंगे एक दो ओवर्स, पर इनका वेन्यू का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 7 इनिंग्स में 44 रन हैं। मोस्ट पीपल माइट कैप्टन हिम, कुछ लोग शायद इनको वाइस कैप्टन भी बनाएंगे, पर क्या आपको थोड़ी सी एज चाहिए और रिस्क लेने की एपेटाइट हो तो अपनी हेड टू हेड टीम में इनको ना कैप्टन बनाना ना वाइस कैप्टन। टीम में जरूर रखना है बिकॉज बड़े प्लेयर हैं, पर शायद कैप्टन वाइस कैप्टन आप अवॉइड कर सकते हो, और अपनी स्मॉल लीग टीम या जीएल टीम से तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो बिकॉज रिकॉर्ड वेन्यू का इतना बढ़िया नहीं है। खैर रियल मैच में क्या होता है ये हम देखेंगे, बट डेटा तो यही कह रहा है कि लाबुशाने इस वेन्यू पर शायद आज फिर से ना चले।
इसी तरीके से दोस्तों बाकी गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज भी आपको मिल रहे हैं, आप वो सुन रहे हो ना, क्या आप वो पढ़ भी रहे हो? बिकॉज हमारा ब्लॉग एक्सक्लूसिवली कवर कर रहा है आपके लिए वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के गेम्स। यदि नहीं फॉलो कर रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको फटाफट से आप देख लेना और वहाँ पे उन गेम्स की फैंटेसी प्रीव्यू भी आप पढ़ सकते हो। जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टीम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।